हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका KVSRO दिल्ली सीनियर सेकेंडरी फेसबुक पेज पर और KVSRO दिल्ली लाइव यूट्यूब चैनल पर भी। दोनों जगह आप फेसबुक भी देख रहे हैं, उसके बाद में आपको यूट्यूब चैनल पर भी ये मिलेगा आप वीडियो। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, मेरे सामने भी ये चल रहा है तो मैं आपको देख सकता हूं। स्टूडेंट्स, देखें स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिया। आना तो चाहिए था अभी तक। देखते हैं स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अभी एक मिनट के अंदर क्लास को। 45 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। 46 स्टूडेंट्स, ओफो ये कैमरा भी अब घूम गया, बहुत सेंसिटिव है। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 11th का पहला ही टॉपिक हमारा चल रहा है सेट्स, और इसकी कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है, अब दिखाई देगा आपको पूरा। चलिए स्टूडेंट्स, 55 स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट को बोल दो जल्दी से क्लास शुरू होने वाली है एक मिनट के अंदर। हम एक मिनट के अंदर शुरू कर रहे हैं इसको। स्टूडेंट्स, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स सभी को? स्टूडेंट्स, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कमेंट करें। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, अभी एक मिनट के अंदर हम शुरू करते हैं क्लास को। सभी आ जाएं, सभी स्टूडेंट्स को फ़ोन कर दो और जल्दी से बुला लो, क्लास शुरू होने वाली है बस एक मिनट के अंदर। ये भी आया क्यों नहीं इसमें? स्टूडेंट्स, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, अभी तक मैं नहीं दिखाई दे रहा है। टेक्नोलॉजी बड़ी गड़बड़ करती है भैया। चलिए आ जाएगा। एक मिनट में क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, अब जब आएगा तब आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज करें एक मिनट दो मिनट के अंदर फटाफट। हमने क्या क्या पढ़ा था अभी? हमारा टॉपिक चल रहा है ये चैप्टर 1 सेट्स, और इसमें हमने पढ़ा क्या था अभी तक? अभी तक हमने पढ़ा था 1.1 में
सेट्स की डेफिनेशन। सेट्स क्या होता है, दो पॉइंट हम पढ़ चुके हैं 1.1, 1.2 और हमारा 1.3 टाइप्स ऑफ सेट्स चलेगा। उससे पहले देखें सेट्स, सेट्स क्या होता है आपका स्टूडेंट, सेट्स होता है हमारा ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स को हम सेम नहीं ले सकते सेट्स के अंदर, और वेल डिफाइंड होना चाहिए। जो भी कलेक्शन है, जो भी लिस्ट बनाए, वो लिस्ट या वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर कलेक्शन कोई भी लिस्ट वेल डिफाइंड है तो सेट है, और वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का जो कलेक्शन है वो बड़ा ही बेग है, ये कोई स्केल नहीं है कि हम पता कर पाएँ कि टैलेंटेड राइटर्स कौन कौन से हैं। आपकी नज़र में कोई और है, अगर कोई लिस्ट या कोई कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो वो लिस्ट वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। ये सेट की बात थी। सेट को लिखते वक्त हमें दिक्कत आई थी जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो अगर सेट्स में कुछ एलिमेंट्स एज इट इज ऐसे कैसे लिख दिए जाएँ, जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमा लगा के लिख दिए जाएँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो उस फॉर्म को लिखने के तरीके को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म में सेट्स को लिखा है। तो दो तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में और दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जब हमें लिखने में दिक्कत आती है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। प्रॉपर्टी का यूज करके अगर सेट्स को लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट देखें जरा, और उसके बाद में हमारा ये दो टॉपिक हमने पहले पढ़े थे और इस पर हमारी कुछ एक्सरसाइज आपकी थी, इसी पर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, इसी पर फर्स्ट एक्सरसाइज थी। उसके बाद अब सेकंड एक्सरसाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओहो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, चलिए, और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। चलिए शुरू करते हैं, देखें कितने स्टूडेंट्स लाइव हो पाए हैं। एक इधर लगाना चाहिए था। हाँ 67 स्टूडेंट्स, गुड। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अब। हाँ मैं अब देख पा रहा हूँ, अब जाके थोड़ा फीड में मुझे मिलना शुरू हुआ है इसका कि आप सामने हैं। 64 स्टूडेंट्स, हाँ हेलो तासी, ज्योति, अभिषेक, कोई दो नाम कोई नहीं लिखेगा, क्लास कोई नहीं लिखेगा, आपके नाम ऑलरेडी आते हैं यहाँ पर, आपकी आईडी वाले नाम यहाँ पर आ जाते हैं, किसी को अपना क्लास और केवी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है हमारा 1.1 ये था, और 1.2 भी हम पढ़ चुके हैं, इसी तरह से 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। दो तरह से हमने सेट्स को रिप्रेजेंट किया था, एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। और आज का टॉपिक हमारा है 1.3 टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स को हमने पढ़ लिया, उसको लिखना भी हम सीख गए हैं। अब देखें कि सेट्स कितने तरह के होते हैं, उनकी क्या क्या कैटेगरी है, कैसे क्लासीफाई किया गया है सेट्स को, और कितने तरह के सेट्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे आज। और उसी के बेसिस पर हमारी सेकंड एक्सरसाइज दे रखी है स्टूडेंट। ये वीडियो आपको यहाँ पर चल रहा है, ये वीडियो आपको आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यही सेम वीडियो इसी चैनल पर आपको शाम को मिल जाएगा विद गूगल फॉर्म्स के साथ में। गूगल फॉर्म क्या है, एक क्वेश्चंस, बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे, उससे अलग एग्जाम्पलर आरडी क्वेश्चंस को मिला के एक आपको क्वेश्चंस फॉर्म में मिलेगा एक असाइनमेंट्स, जिसको आपको फिल करके भेज देना है, जो मेल दी जाएगी उस पर, और उसको हम शाम तक चेक भी कर लेंगे। गूगल फॉर्म बहुत अच्छे क्वेश्चंस तैयार होते हैं उस पर, और वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। जब ये आप लाइव ख़त्म हो जाएगा और शाम तक जब हम इसको अपलोड करते हैं, उस समय आपको इसका क्वेश्चंस की फॉर्म में एक गूगल फॉर्म मिलेगा। देखा जरा सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, तो इसमें पहला ही टाइप, हमारे टोटल 5 टाइप्स के हमारे सेट दे रखे हैं, और इसी पर हमारी सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड है। टोटल आपके कितने हैं, 5। तो ए पहला ही है द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जैसे नाम से पता है, एम्प्टी सेट मीन्स क्या हुआ, खाली, जिसमें कुछ भी ना हो। इसके और भी नाम है, नल सेट बॉयड सेट, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, खाली, जिसमें कुछ भी ना हो, कोई एलिमेंट ना हो। ऐसा भी कोई सेट हो सकता है, अगर कोई एलिमेंट नहीं तो फिर किस बात का सेट, होता है
कुछ प्रॉपर्टी होती हैं इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी को शो करने वाले सेट को एम्प्टी सेट बोलते हैं, और उसको डोंट करते हैं किससे, फाई से। तो इसकी डेफिनेशन आती है पेपर में, कैसे लिखेंगे देखो जरा। एम्प्टी सेट, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको, एंड डिनोटेड बाई फाई। ये फाई का सिंबल है, PHI, फाई, फाई का सिंबल है ये। फाई मीन्स क्या हुआ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसको बोलते हैं फाई। देखें स्टूडेंट्स, अब ऐसा कैसा सेट होगा, जैसे हमने एक सेट ले लिया, ए सेट लिया यहां पर, और इसके अंदर क्या रख दिया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स कैसा है, ये नेचुरल नंबर है, और एक कंडीशन और लगा दी कि टू से बड़ा है एक्स और छोटा है अगर हम बोले फाइव से छोटा है। तो ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है हमारे, टू और फाइव के बीच में कौन सा आता है, थ्री आता है और फोर आता है, तो इसमें दो मेंबर्स आएंगे। अगर इस कंडीशन को थोड़ा चेंज कर दें, फाइव के प्लेस पर हम ऐसे लिख दें थ्री लिख दें, और अब बात करें कि एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है जो टू और थ्री के बीच में है, तो टू और थ्री के बीच में कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, कोई नहीं होते। तो ये सेट कैसा हुआ, हम तो सेट लिखा है सेट की फॉर्म में जैसे हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था। ये क्या हो गया आपका, फाई, एम्प्टी सेट, नल सेट, बॉयड सेट, ये इसके बोलते हैं, बॉयड सेट भी बोलते हैं, ये इसके नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक और लेते हैं, बी एक सेट ले लिया आपने, बी सेट, और बी सेट में क्या आता है, एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दिया हुआ है। इस तरह से एक सेट दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है। क्यों, क्योंकि कोई भी एक्स, कोई भी नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, और जो इसको सेटिस्फाई करता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता। आप सॉल्व करके देख लीजिए इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, बी सेट्स के अंदर इसको सॉल्व करने पे क्या वैल्यू कौन कौन सी मिलेंगी आपको, आपने पढ़ा था क्लास 10th में 9th में, आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकाला था, इसके रूट्स क्या निकल के आते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस टू और माइनस थ्री, माइनस टू और माइनस थ्री, लेकिन माइनस टू माइनस थ्री हमारे नेचुरल नंबर नहीं है, तो फिर से क्या रह गया, ये फाइव, एम्प्टी सेट, जी नल सेट, बॉयड सेट। ये कैसा है आपका, बॉयड सेट, नल सेट। ये बात हुई, इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी को शो करने वाला सेट होता है हमारा एम्प्टी सेट। पहला क्वेश्चन आपका इसी पर बेस दे रखा है। चलो पहला क्वेश्चन करने से पहले हम देखें, एक एलिमेंट जिसमें है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, कोई एलिमेंट नहीं है तो नल सेट, एम्प्टी सेट, बॉयड सेट। ये तो हमने पढ़ लिया, अब आता है आपका सिंगलटन। दोस्तों कितना आसान है इससे, अगर आप देखेंगे आप मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो वो क्वेश्चन इससे मुश्किल थे, वहाँ बहुत दिमाग लाना पड़ रहा था आपको, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, यहाँ तो बहुत आसान है। अरे इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, वो जीरो एलिमेंट्स, जीरो मतलब जीरो एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो, उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट, बॉयड सेट। बॉयड सेट भी उसका नाम है, बॉयड, एम्प्टी सेट, BOID, बॉयड सेट, नल सेट, नल सेट। और जिसमें एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं हम सिंगलटन, सिंगलटन सेट, TON, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कैसा होता है, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो दो इसका एग्जाम्पल दो, कैसा एग्जाम्पल होगा, खुद सोच के देखो, एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें कि क्या हो, एक ही एलिमेंट्स हो। स्टूडेंट लिख रहे हैं कि ब्लर हो रहा है, स्टूडेंट मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई ब्लर नहीं हो रहा है और मैं साफ पढ़ पा रहा हूँ। 73 स्टूडेंट देख रहे हैं इस समय, और मेरे सामने तो स्क्रीन पे साफ चलता जा रहा है। किसने लिखा था ये, ताशवी सिंह, देखो अपनी सेटिंग देखो, यहाँ से बिल्कुल क्लियर आ रहा है, मैं इसको दोबारा दूसरे फ़ोन पर भी देख रहा हूँ और मुझे साफ दिखाई दे रहा है, तस्वीर ब्लर नहीं है। तृप्ति जायसवाल, सर कैमरा तो
गजब है, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा पहले ब्लर था, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जरा हम आगे बढ़ते हैं। सिंगलटन सेट का मतलब क्या था, जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि आपने बना लिया यहाँ पर, ये एक एलिमेंट रख दिया टू, बस ये क्या है, सिंगलटन सेट है। और ले लीजिए बी एक्स सच दैट एक्स कैसा है आपका, नेचुरल नंबर है, और साथ साथ वो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इजकल टू जीरो ये दिया हुआ है। अगर आप इस सेट को देखेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद पता लगेगा कि इसके अंदर केवल एक ही मेंबर आता है। चलो यहाँ क्या कर लेते हैं, नाइन कर लेते हैं, कितना कर लिया आपने, नाइन। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, थ्री और माइनस थ्री। लेकिन थ्री और माइनस थ्री में नेचुरल नंबर कौन सा है हमारा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा कौन सा नंबर है, केवल थ्री है। तो इस सेट में, बी सेट में क्या आएगा, केवल थ्री। तो ये कैसा है आपका, सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट है ये। और अब देखें आपकी बुक का क्वेश्चन ले लें, अपनी बुक अपने सामने रखें और 1.2 एक्सरसाइज का बुक निकालने सभी लोग, और 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कीजिए। देखिए बिल्कुल सेम यही बात बताइएगा यहाँ पर। तो 1.3 चल रहा है हमारा, 1.1 में था सेट की डेफिनेशन, 1.2 में था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, और 1.3 में टाइप्स ऑफ सेट्स। आज हमारा टॉपिक क्या है, 1.3 टाइप्स ऑफ सेट्स, ये आज का टॉपिक है हमारा ये। अब देखें जरा आगे, स्टूडेंट बोर्ड जी थोड़ा अच्छा नहीं है इस पे माइका, तो लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, उसको रफ करने में दिक्कत आती है। देखें स्टूडेंट्स आपकी बुक का ले लेते हैं एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। अगर बुक नहीं है स्टूडेंट, बुक नहीं है तो नेट पर है, एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, और उसको अगर प्रिंटआउट हो सकता है, घर में प्रिंटर है तो प्रिंटआउट निकाल लीजिएगा, केवल एक्सरसाइज की प्रिंटआउट निकाल लीजिएगा। और अगर नहीं है बुक तो थोड़ा इंतजार कीजिएगा शाम तक का, कि आपको जो वीडियो मिलेगा उसमें पूरी की पूरी बुक के एक्सरसाइज कंप्लीट मिलेगी, जिससे आप क्वेश्चंस को देख पाए और देखेंगे तभी उसको क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बुक की चिंता मत कीजिए। देखिए आर्यन ने बताया है कि डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, नेट से डाउनलोड कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। यहाँ देखें कुछ नल सेट्स दिए हुए हैं, यहाँ कुछ सेट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से नल सेट हैं, चेक करना है हमें, नल सेट्स को आइडेंटिफाई करना है। नल सेट कौन सा होता है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसको बोलते हैं नल सेट। तो पहला ही दिया हुआ है आपको, ये पहला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू। एक ऐसा सेट, ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो टू से डिविजिबल होता हो। तो ऑड नंबर का सेट, जो ऑड नंबर का कलेक्शन जो टू से डिविजिबल होता है, टू से कौन सा ऑड नंबर कैंसिल होता है, कोई भी नहीं होता है। तो ये देखा आपको फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या देखा है, ये इसको नाम दे दिया ए, सेट ऑफ ऑड नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय टू, कोई सा भी नहीं होता है, ये तो खाली ऐसे का ऐसे रहेगा, ये क्या आपका, ये एम्प्टी सेट, यही हमें करना था। सेकेंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, इवन प्राइम नंबर तो केवल अकेला टू ही होता है, अकेला टू होता है। स्टूडेंट्स हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे पिछली बार शायद, प्राइम नंबर्स कितने होते हैं हमारे, प्राइम नंबर्स 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर्स पूछा गया था आपसे। मैं आंसर चाहूंगा, इस आंसर दे फटाफट। फर्स्ट आपका नल सेट था, लेकिन सेकंड हमारा क्या रहा है, सेकंड के अंदर इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर 2 आ गया, तो इज नॉट ए नल सेट, एम्प्टी सेट। नल सेट मींस एम्प्टी सेट ये नहीं है, क्योंकि सिंगलटन सेट है, एक एलिमेंट इसके अंदर है। हमने पूछा था कि 1 से लेकर 50 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, स्टूडेंट्स 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर्स, किसी ने आंसर नहीं दिया, 2, 3, 5, 7, 11, हाँ ठीक है 2, 3, 5, 7, 11,
ये तो हमारे हैं, लेकिन कितने होते हैं? नंबर पूछ रहा हूँ मैं आपसे, काउंट करके देखिएगा, वन से लेकर, हाँ टोटल नंबर। हार्दिक ने देखो कुछ आंसर दिया है, हार्दिक गुलाटी ने, लेकिन टोटल हार्दिक टोटल करके बताओ कितने हैं ये, वन से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? वन से लेकर 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15। गौतम पांडे ने दिया आंसर, वन से 50 तक हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं 15, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और स्टूडेंट 50 से लेकर 100 के बीच में कितने होते हैं? 50 से लेकर 100 के बीच में 50 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ 15, वेरी गुड, सबका आंसर आने लगा है। ये थोड़ा सा डिले चल रहा है यहाँ पर, मैं आंसर आपके सबके देख पा रहा हूँ। गुड, 15, 15 हमारे प्राइम नंबर होते हैं। और स्टूडेंट्स 50 से लेकर 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, और टोटल मिला के 1 से लेकर 100 के बीच में देखेंगे तो 15 प्लस 10 25, 30 बोला है। देखो ये मोलिसा ने 30 बोला है, 30 नहीं है मोलिसा, 10 होते हैं। और 15 और 10 कितने? 25 हो गए हमारे। जब बात करेंगे 1 से लेकर 100 तक की बात करेंगे तो वहाँ पर 25 प्राइम नंबर्स होंगे। 1 से लेकर 50 तक 15, और 50 से लेकर 100 के बीच में केवल 10 ही होते हैं। 10 और 15 कितने हो गए? 25। हार्दिक ने सही बताया आंसर, 25। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, ऐसे देखो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है, एक्स सच दैट, अगर बुक किसी के पास नहीं है तो देख लेना जरा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर और एक्स इज लेस देन 5, एंड साथ साथ ये भी दे रखा है कि एक्स कैसा है, 7 से भी बड़ा है। तो इसमें क्या आएगा, एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स कैसा है, 5 से छोटा है, और एक्स 7 से बड़ा है। 7 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ऐसा कौन सा नंबर होता है नेचुरल नंबर जो एक साथ एक ही टाइम में, 7 से बड़े बहुत सारे नंबर हैं, 5 से छोटे भी बहुत सारे नंबर हैं हमारे, और नेचुरल नंबर भी है, लेकिन ऐसा जो एक ही टाइम में एक ही बात करता हो, एंड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो इसको और इसको दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, तो ऐसा कैसा हुआ आपका ये? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो क्या है आपका ये? अगेन 5, नल सेट, नल सेट। फोर्थ स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप अगर बुक अगर देखेंगे नेट से डाउनलोड कीजिएगा तो पता लगेगा कि ये बहुत आसान है। 10th में जो क्वेश्चन कर रहे थे वो मुश्किल थे, 11th के ये वाला टॉपिक तो बहुत आसान है। वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनमें कॉमन पॉइंट क्या होता है? कोई नहीं होता कॉमन पॉइंट्स, कोई नहीं होता, तो कैसा हो जाएगा आपका ये? 5, नल सेट, नल सेट। आपने देखा होगा कि अगर ये दो लाइन आपकी है तो इनमें एक पॉइंट होता है कॉमन, ये पॉइंट कॉमन होता है। अगर दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो सेट कैसे होगा? नल सेट। अब देखें एक और दे रखा है, इसकी बात करते हैं हमारा दूसरे टाइप पर। दूसरा हमारा टाइप दे रखा है, हमने दो पढ़ लिए थे ए और बी। हमने आज क्या पढ़ा है? टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर आज हमने पढ़ा है पहला एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कि कोई एलिमेंट ना हो, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट। एक इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी, जैसे इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी हमारी कौन सी थी? एक्स 5 से छोटा भी हो, एक्स 5 से 7 से बड़ा भी हो, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, तो इसमें कुछ नहीं आने वाला, ये क्या है? नल सेट है। अगर एक एलिमेंट हो उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, और अगर तीसरा, तीसरा हमारा क्या है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो तो उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, और काउंटेबल नहीं है, गिनती नहीं कर सकते हम, बहुत सारे इनफाइनाइट हैं, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो तीसरा टॉपिक आपका यही है, फाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है? एक फाइनाइट सेट किसे बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम बता सकते हैं, भाई इसमें 50 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, काउंट कर सकते हो तो फाइनाइट सेट, और काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट सेट। तो कैसे बोलेंगे? लेकिन 5 एम्प्टी सेट जो हमारा था 5, उसको भी फाइनाइट सेट एज्यूम किया गया है, तो डेफिनेशन में दे दिया है, ए सेट विच इज एम्प्टी एंड ए सेट विच इज एम्प्टी, एक सेट जो एम्प्टी हो वो भी फाइनाइट है, और कंसिस्ट कंसिस्ट ऑफ
डेफिनेट नंबर ऑफ, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट। अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, फाइनाइट हैं तो फाइनाइट सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं तो इनफाइनाइट सेट। जैसे कि हम देखें यहां पर, देखें ए, एक एलिमेंट है 1 2 3 4, ये कितने मेंबर्स हैं इसमें, फोर मेंबर्स हैं। इस बात को कैसे बताते हैं इसके अंदर फोर मेंबर्स हैं, हम काउंट कर लें, कॉमा लगा के देखें, यहाँ पर फोर मेंबर्स हैं, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी, एन ए इजकल टू फोर। इस सेट की कार्डिनलिटी पोटेंसी कितनी है, फोर है, इसमें फोर नंबर ऑफ एलिमेंट फोर है, ये काउंट कर सकते हैं। तो कैसा है ये आपका, ये फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ऐसे बी ले लिया, बी आपने हमने ले लिया क्या, कुछ भी ले लिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज लेस देन सेवन, एक्स लेस देन सेवन है, सेवन से छोटा है, नेचुरल नंबर है, तो बी सेट्स के अंदर क्या होगा आपका, ये नेचुरल नंबर जो सेवन से छोटा हो कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6। और अगर हम बात कर रहे हैं एन बी की, एन बी का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, बी सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, बी सेट्स में एलिमेंट देखें कितने हैं, बी सेट्स में एलिमेंट हमारे सिक्स हैं। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे फाइनाइट हैं तो क्या बोलते हैं इसको भी, हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट आपको पता है, अरे नेचुरल नंबर का कलेक्शन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, इंटीजर भी हमारा क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2, ये भी कैसा है, इनफाइनाइट सेट। तो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, यही बात पूछी जा रही है, बताइए कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, टॉपिक भी आसान है, अरे देखो तो मैथ्स ही बहुत आसान है, ढंग से हमने पढ़ा नहीं। अगर ढंग से पढ़ें, थोड़ा सा उसको मन लगा के पढ़ें, समझ के पढ़ें, पैटर्न और ऑब्जर्व पर ध्यान दें, तो मैथ्स बहुत आसान हो जाता है। अब ये पैटर्न और ऑब्जर्वेशन कैसे समझ में आएगी बात, ये अगर बेसिक्स हमारे अच्छे हैं और पैटर्न हमें आता है, हमें नमूनों को पकड़ना आता है, तो फिर मैथ्स बहुत आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। देखते हैं आज एक कोई एग्जांपल देखेंगे, उसकी बात समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैथ्स कैसे आसान हो सकता है। देखें स्टूडेंट्स, अब जरा आपकी बुक का लेते हैं क्वेश्चन, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जरा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या देखा है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, इस सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर हमें बताना क्या है, ईयर के मंथ्स का कलेक्शन बताना है। तो क्या आएंगे इसके अंदर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन, कहाँ तक आएंगे ये, दिसंबर, कितने हैं टोटल इसमें, 12 हैं, 12 मंथ हैं। तो कैसा है ये, फाइनाइट है, फाइनाइट सेट। अब तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, अब इसको देख के बताइए कि फाइनाइट सेट है। तो ये इस क्लास के लिए 11th तक आने की जरूरत नहीं थी, अगर आप 9th में भी होते तब भी ये समझ पाते। इतनी बात तो हम समझते हैं कि क्या है, फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। देखिए सेकंड, सेकंड क्या देखा आपको, ये एक देखा 1 2 3 एंड सो ऑन, बस इतने दिया हुआ है, अब चलता चला जा रहा है, कब तक जाएगा पता नहीं हमें। तो कैसा है आपका ये, इनफाइनाइट, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, बहुत सारे आपके इनफिनिट जा रहे हैं, काउंटलेस हैं, काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स हैं। तो ये पूरा हमारा सेट कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट। थर्ड, थर्ड क्या है, थर्ड आपको दिया है 1 2 3 एंड सो ऑन और 99 और 100। तो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 से स्टार्ट हुआ, कहाँ जाकर खत्म हुआ, 100 पर। तो आप बता सकते हैं कितने हैं इसमें, 100 हैं। तो कैसा है ये, अरे फाइनाइट है ये भी। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, और आप लोगों ने अभी तक बुक बुक बोल रहे हो कि बुक नहीं है, बुक नहीं है। स्टूडेंट नेट से डाउनलोड कीजिए फटाफट, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, निकालिए, नहीं तो पीडीएफ फॉर्म में इसको पढ़िएगा और क्वेश्चन निकालते रहिएगा। और इसके साथ साथ देखिए,
ये वीडियो आपको मिलेंगे, ऑफलाइन मोड में भी मिलेगा आपको वीडियो, इसी चैनल पे मिलेगा। अजय ये कौन सा है आपका, अजय मैथ्स क्लिनिक पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा, KVSRO दिल्ली लाइव, इसका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ जाकर हम शाम को इसी को थोड़ा एडिट करके, और इसके साथ में एक हम ऑफ गूगल फॉर्म भी देंगे आपको। ये क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हैं, ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स कर ही रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ क्या देंगे आपको, एक क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा गूगल फॉर्म की फॉर्म में, और उसको आपको अपना नाम देना है, और आपको नाम देंगे, क्लास देंगे, और फटाफट उसमें क्वेश्चंस के आंसर देंगे हमारे पास, उसको जैसे ही भरेंगे आप भरते चले जाएंगे, हमारे पास आंसर आते चले जाएंगे, और उसको हम चेक करके आपको बता देंगे आपका रिजल्ट क्या है और कितना फ़ायदा हो रहा है हमारी इस क्लास से। और घर पर आप पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आ भी नहीं आ रहा है, घर पर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप मोबाइल हाथ में लेके पढ़ते चले जाएँ, आपको करना भी है, इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से करना है, और जो गूगल फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे उनको भी करना है, और उसको सेंड भी करना है। आगे देखिए जरा, ऐसे अगला देखा है, द सेट ऑफ, अगला है इसका सेकंड का फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर, 100 से ग्रेटर देन तो बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो क्या हो गया इनफाइनाइट, 100 से ग्रेटर देन इंटीजर्स आपको बताने हैं। ताश्वी सिंह पूछ रही है कब मिलेगी, कब मिलेगा होमवर्क, होमवर्क स्टूडेंट मिल जाएगा शाम तक आपको मिल जाएगा, शाम तक इसी चैनल पर आपको मिलेगा, KVSRO दिल्ली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो आप जब आप देखेंगे, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर वीडियो मिलेगी आपको, और वीडियो के साथ में आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, शाम तक मिल जाएगा आपको। देखिए कोई डिस्टर्ब करने आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे देखा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये क्वेश्चन तो आपने भी बताया था। अगला देखा क्वेश्चन, सेट ऑफ फिफ्थ, अच्छा फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ आपका है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, और फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ आपको द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 से लेस देन जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपको बताने हैं। आपने भी पहले आंसर बताए थे, 99 से लेस देन प्राइम नंबर्स कितने होंगे, 25 काउंटेबल है, तो ये कैसा है आपका, ये फाइनाइट, ये आपका फाइनाइट है। ये क्वेश्चन बहुत आसान थे। अगला भी यही देखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे स्टूडेंट, वो भी यही दिया हुआ है। थर्ड में क्या है, मैं अब बोलते चलाता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं, बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस आपका ये है एक्स एक्सिस, और इसके पैरेलल लाइन ये रखेंगे, ये ऐसी कितनी लाइन बना सकते हैं आप, ये इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं ऐसी, तो ये सेट कैसे हो जाएगा आपका, ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो, ये 30 कौन बोल रहा है, 30 नहीं होते हैं आभा सिंह, प्राइम नंबर्स हमारे कितने होते हैं, हाँ इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हमारे कितने होते हैं, जीरो से 100 से 100 तक हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, 25, 30 नहीं होते, एक स्टूडेंट ने लिखा था 30 आंसर, गलत है वो, 25 होते हैं। अब देखिए द सेट ऑफ लेटर, थर्ड का सेकंड पार्ट देखें, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स हमारे पास कितने होते हैं, 26, वो भी फाइनाइट है। थर्ड देखें, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल, मल्टीपल तो इनफाइनाइट होते हैं, फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, अगर 5 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो कितने होते हैं, 1 एंड 5, केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं, और जिनके दो फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, और जिनके दो से ज़्यादा होते हैं उनको कंपोजिट नंबर, और वन ऐसा है जिसके ना दो है ना दो से ज़्यादा है, केवल एक ही होता है, नो ना ही वन हमारा प्राइम है ना ही कंपोजिट है। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बड़े आसान थे, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पर जितने एनिमल्स हैं वो भी फाइनाइट है, पता है हम कितने एनिमल्स हैं। लास्ट द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्किल्स, ओरिजिन, ओरिजिन आपका ये है, इससे पास होने वाले सर्किल, 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 कितने सारे सर्किल्स ओरिजिन से पास हो जाते हैं, कितने हैं ये भी, इनफाइनाइट। तो ये भी जो हमारा सेट होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। केवल आपको ये लिखना है, आप देखें कोई कैलकुलेशन करनी, कहीं पर 2+2=4 नहीं लिखना है, सीधा क्वेश्चन को लिखना है उस पर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। और अगला टॉपिक हमारा है इक्वल और इक्विलेंट सेट, बहुत ही आसान है, आपको बताना है ये इक्वल सेट्स हैं ये इक्विलेंट हैं। नंबर फोर, फोर से पहले हम देखें हमने अभी तक पढ़ा क्या है। देखें स्टूडेंट,
हमने टाइप्स ऑफ सेट से पहले पढ़ा था एम्प्टी सेट, जिसको हम वॉइड और नल सेट भी बोलते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी सेट। दूसरा था जिसमें एक एलिमेंट होता है, सिंगलटन सेट। और तीसरा हमने पढ़ा था अभी क्या, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, ये हमने देखा था अभी पीछे, डेफिनेशन थी हमारी। तीन टॉपिक पढ़ चुके हैं, चौथा देखें इसी का, ए बी सी डी। ये क्या होता है आपका, इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स हमारे क्या, टू फाइनाइट सेट्स, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। ए और बी दो सेट्स हैं, लेकिन हमने क्या रखा है, फाइनाइट सेट लिए हैं। इनफाइनाइट सेट में हम बात नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सेट तो हमारा नेचुरल नंबर भी है, इनफाइनाइट सेट हमारा इंटीजर्स का भी है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होते। इक्वल की बात हम कर ही नहीं सकते इनफाइनाइट सेट्स के केस में। इक्वल का वो, इक्वल की बात कब होगी, जब दोनों सेट्स कैसे हों, फाइनाइट हों। तो टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ ए में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स बी में हों, एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स हों, इफ दे हैव दे हैव सेम एलिमेंट, सेम दे हैव सेम, दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, जो ए में एलिमेंट्स हैं जितने हैं और जैसे हैं वही बी में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 2 और 3, 3, 3, अगर ऐसे लिखा हुआ है ए और बी, तो आप ध्यान से देखिए सेट्स को, हमने पिछली क्लास में बात की थी, सेट्स को लिखते वक्त में हम ऑर्डर पर ध्यान नहीं देते और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीट भी नहीं करते हैं और ऑर्डर पर ध्यान नहीं देते। वन तो आपका ऐसे आएगा, टू टू जो दे रखा है दो बार वो केवल एक ही बार लिखना है और इन तीनों को यही लिखना है। तो बी में एलिमेंट कौन से हैं, 1, 2, 3, ए में भी क्या है 1, 2, 3, तो बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। बहुत सिंपल सी बात है, ए इक्वल बी कब होगा, जब ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम हो और वही हो, एग्जैक्टली वही हो। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स हो, इक्वल सेट। इसी पर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अब आता है इक्विवेलेंट, अफो इक्विवेलेंट सेट। अब देखो इक्विवेलेंट सेट, एक तो था इक्विवेलेंट, ये कैसे लिखा जा रहा है, ये इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट स्टूडेंट देखें, यहां पर इक्विवेलेंट की बात आपकी एनसीईआरटी में नहीं की गई है, केवल इक्वल सेट दिया गया, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इक्विवेलेंट सेट्स कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जितने एलिमेंट्स हमारे ए में हैं उतने ही बी में हो, मतलब दोनों का पोटेंसी सेम हो, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो, तो दोनों सेट कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं। कि अगर ए सेट्स में हमारे क्या हैं, टू सेट्स इज सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ एन ए इक्वल एन बी, देन टू सेट्स, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी इज सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। अगर ए सेट में हमारे एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और बी में एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, तो आप देखेंगे कि एन ए ये भी 3 है और एन बी ये भी 3 है, तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। अगर दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है तो सेट कैसे होंगे, इक्विवेलेंट। तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। और यहाँ इसमें और इसमें यही फर्क था, यहाँ पर क्या था, ए में जो एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स होने चाहिए, अदर बदल के भी ना हो, यहाँ तो बदल दिया हमने 4, 5, 6, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम था तो इक्विवेलेंट हो गया। और अगर जितने एलिमेंट्स यहाँ जितने उतने यहाँ हों और वही एलिमेंट्स हों तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट्स। तो थोड़ा बारीक सा फर्क है हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट जो दे रखे हैं वो इक्वल सेट नहीं होते, लेकिन सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट जरूर होते हैं। ध्यान से समझो, सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट जरूर होते हैं, लेकिन इसका कन्वर्स ठीक नहीं है। अब यही क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपको दे रखे हैं, एक्सरसाइज खत्म, बहुत आसान था। देखिए स्टूडेंट्स,
देखें आपकी एक्सरसाइज का, स्टूडेंट बुक को पीडीएफ फॉर्म में ले लें और अपने सामने रखें, उसका प्रिंट आउट लेकर रखें, या फिर दूसरे मोबाइल में पीडीएफ में उसको अपने सामने रखें, नहीं तो कुछ बात समझ नहीं आएगी, कोई फ़ायदा नहीं है फिर इस तरह से क्लास लेने का अगर आपके पास में बुक ही नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर फोर, आपको बताना है यहाँ पर ए और बी इक्वल है या नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखें, ए सेट, ए सेट्स में एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, और बी सेट में एलिमेंट हैं डी सी बी और ए। तो दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि बी का मतलब क्या हुआ, बी में ऑर्डर पे ध्यान नहीं देते, आगे पीछे लिख सकते हैं और रिपीट करते नहीं हैं। ये सेट्स को लिखने की हमारी पहली शर्त थी कि ऑर्डर पे हम ध्यान नहीं देते। डी सी बी ए का मतलब क्या होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी डी, ये आपके क्या है वही सेट्स है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर पे ध्यान नहीं देते हैं। और ये तो आपको सेम दिखाई दे रहे हैं ए और बी, दोनों सेट कैसे हो गए, ए इक्वल बी। तो कितनी आसान सी बात पूछी जा रही है आपसे, यही क्वेश्चन तो दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव। इसका सेकंड पार्ट देखिए, ए में आपका 4, 8, 12 और 16। स्टूडेंट्स 5 मिनट और हैं हमारे, 5 मिनट में क्लास को खत्म करेंगे, 5 से 10 मिनट के बीच में 8, 4, 16 और 18। अब आप देखिए यहाँ पर, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 है, यहाँ 4 है, 8 है, 8 है, 12 यहाँ पर नहीं है, तो जो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं वही एलिमेंट्स यहाँ होने चाहिए, तो बोलते हैं इक्वल सेट, और अगर जितने यहाँ हैं उतने यहाँ हों तो बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो हमारा क्या हुआ, ये ए इज नॉट इक्वल टू बी। इक्विवेलेंट की बात एनसीईआरटी में नहीं बोली गई है, वो तो पूछना है बताइए कि ये इक्वल है नहीं है, इक्वल नहीं है क्योंकि 12 आपका कहीं नहीं है और यहाँ देखें तो 18 आपका यहाँ पर नहीं है, नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ऐसे ही बताने आगे और भी आपको क्वेश्चंस, आगे देखें क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दिया हुआ है आपको, ए सेट दिया हुआ है, ये आपको ए में दे रखे हैं 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट दिया हुआ है, बी के अंदर क्या है एक्स है, और एक्स कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इसका लो 0, इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर 2 और 3 दे रखे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी आपकी -2 -3, तो बी की वैल्यू क्या है, बी में एलिमेंट्स आ गए -2, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, 10th क्लास में सीखा है आपने, इसको सॉल्व कीजिए, मिडिल नंबर स्प्लिट कर सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएंगे, एक्स की वैल्यू 2 और -3, -2 और -3 हमने यहाँ रख दिए, तो बी में तो ये है और ए में ये है, और दोनों में सेम एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन जो यहाँ पर है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ पर है वो यहाँ नहीं है, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इनफैक्ट ए इज इक्वलेंट टू बी। ये तो है, ये भी बात यहाँ भी थी, ए इज इक्वलेंट टू बी, लेकिन ये बात एनसीईआरटी में नहीं बताई गई है, हमने अलग से इसको डिस्कस किया था अभी। अभी देखें और भी, देखो डिस्टर्ब करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। देखें जरा क्वेश्चन नंबर, ये दिया हुआ इसी का 5th का सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 5th का सेकंड पार्ट यहां दे रखा है ए सेट दिया हुआ है, और ए सेट में हमें क्या लिखना है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो जो हमारा दे रखा है वो फॉलो के अंदर जो जो लेटर्स आ रहे हैं उसको लिखना है। तो क्या आ रहा है इसमें, एफ आ रहा है, ओ है, एल है, फिर ओ आ रहा है तो ओ को रिपीट नहीं करेंगे, और डब्ल्यू है। बी देखें, बी में क्या दे रखा है, वॉल्फ डब्ल्यू ओ एल एफ, इसके लेटर्स लिखने हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा और ओ आएगा, एल आएगा और एफ। अब देखें ये एफ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, तो सेम है, ए इक्वल बी है ये तो। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है यहाँ पर, ए में दे रखा है आपको 2, 4, 8, 12, बी सेट दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4, सी दे रखा है 4, 8, 12 और 14,
डी दिया हुआ है 3, 1, 4 और 2, ई सेट दिया हुआ है -1 और 1, एफ सेट दे रखा है 0 और ए, ई सेट दिया हुआ है 1 और -1, एच दिया हुआ है 0 और 1। ये इस तरह से आपके पास में 8 सेट दिए हुए हैं, और आपको क्या बताना है, आपको बताना है। अच्छा, ये गड़बड़ होती है तो स्टूडेंट, मैं देख रहा हूँ कि जब ये कैमरे के सामने अगर फेस नहीं है तो थोड़ा सा ब्लर होता है, थोड़ा ब्लर होता है। यहाँ मैं करना क्या है, यहाँ बताना है, ये 8 सेट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन से आपस में इक्वल हैं, ए और बी, कौन से दो सेट इक्वल हैं। तो आप देखिए 2, 4, 8, 12 कहीं है, 2, 4, 8, 12, 2, 4 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है, ए किसी के भी इक्वल नहीं है। बी पर आइए, 1, 2, 3, 4, और ये देखा 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 3, 4, ये दोनों इक्वल हैं, तो बी इक्वल डी, एक तो आंसर आ गया। सी देखिए 4, 8, 12, 14 कहीं है, नहीं है, सी भी नहीं है, डी इसी इक्वल था डी तो। -1, 1, -1, 1, हमारे 1 और -1 यहाँ दिया हुआ है, 1 और -1 आगे पीछे लिख सकते हैं, सेट्स में हमारा ऑर्डर पे ध्यान नहीं देते और रिपीट करते नहीं हैं, तो ये दोनों भी हमारे क्या है, ये ई और एफ, ये एफ था आपका, तो E इक्वल है F के। और देखें जरा कौन सा है, ये 0, 1, और इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं है, कोई सेट्स हमारा आपस में इक्वल नहीं है, केवल ये हमारे इक्वल थे। बस एक्सरसाइज खत्म हो गई। आपने देखा फर्स्ट एक्सरसाइज भी बहुत आसान थी और सेकंड बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट प्योर मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा टॉपिक है, और बहुत बड़े टॉपिक में बिल्कुल डिफरेंट एक गियर में हम चलते हैं, इसलिए शुरू में बहुत आसान चीज़ें दी गई हैं, बहुत ही आसान चीज़ें दी रखी हैं यहाँ पर। आगे जाके चैप्टर 2 में जब हम पहुंचते हैं, तो मैंने देखा है पिछले साल के जो बच्चे उनसे बात करके देखेगा कि उनको रिलेशन फंक्शन समझ में नहीं आता है, और वो इसी का एक्सटेंशन है सेट थ्योरी का ही, और उसका रीजन ये रहता है कि हम सेट्स पे ध्यान देते नहीं हैं, हम इसको बड़ा देखते हैं ये तो बड़ा आराम से हो जाएगा, और इसको करके नहीं देखते। इसको करके देखिएगा, RDRS से क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन देखिएगा, ऑनलाइन अगर इस समय अगर नहीं मिल पा रहा है तो ऑनलाइन बहुत सारी हमारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। चलिए चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, इसे इस क्लास में तो हम इतना ही रखते हैं, ये हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, इसको आप करिएगा, और शाम तक कोशिश करेंगे कि शाम तक आप और जाके देखिएगा इसी चैनल पर, KVS RO दिल्ली लाइव चैनल पर जाकर देखिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, और वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, साथ साथ यही सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, अजय मैथ्स क्लिनिक में मिलेंगी, और वहाँ पर आपको फॉर्म भी मिलेगा, एक फॉर्म मिलेगा गूगल फॉर्म, फॉर्म का मतलब वो क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें क्वेश्चंस को करिएगा सॉल्व करके और उसको भेजिएगा, फिर उसको उसका आंसर हम भेजेंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन वो आपसे, सबसे ज़्यादा बच्चे जो क्वेश्चन गड़बड़ कर रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, मेजोरिटी में जो क्वेश्चन के आंसर गलत आएंगे, उन क्वेश्चन को हम अगली क्लास में लेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और इतने सारे स्टूडेंट्स लाइव हैं, 65 भी हैं इसमें, अपने और स्टूडेंट्स को भी बताइएगा कि वो लोग भी इसका फ़ायदा फ़ायदा लें, घर बैठ के ही, और कोरोना से बचे रहना है बच्चों, बाहर नहीं निकलना है बिल्कुल भी, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।